कौन आ रहा है? अच्छा भैया बताओ जरा, मुंबई की सरजमी पे पहला कदम और कैसे और किस अंदाज में पड़ा था? एक्चुअली जो आपका सवाल है तो उसके अकॉर्डिंग जो है, मैं कॉलेज टाइम से, मुझे कॉलेज नहीं स्कूल टाइम से मुझे एक्टिंग का शौक था। उसी टाइम पे मेरी सिस्टर थी, उनकी शादी जो, उनका मैरिज यहाँ पे मुंबई में हुआ, तो उनके साथ मैं घूमने के लिए आया था। तो यहाँ लोग जब आते हैं तो जूहू चौपाटी और यहाँ वहाँ घूमने का शौक़ पालते हैं, बट उस टाइम मैं जो है मीन्स कहाँ शूट चल रहा है या मुझे एक्टर से मिलना है या कैसे शूटिंग होती है, तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ के दोस्त हैं, उनके साथ मैं सारी चीज़ें किया। फिर मेरा और जो इंटरेस्ट था बढ़ गया। उसके बाद जो है मैं घर पे जाके बोला मैं एक्टर बनूंगा, मैं मुंबई जाऊंगा। तो जो मेरे पहचान वाले थे, पास पड़ोसी या मेरे फैमिली फ्रेंड के लोग, वो लोग हंसते थे मुझे कि मुंबई पता नहीं है, अभी मुंबई घूम के आया तो एक्टर बनने का शौक पाल रहा, एक्टिंग बोल रहा। बट फाइनली क्या होता, अगर आपकी जो मंशा होती है अगर वो करेक्ट है और आप ऑनेस्टली से काम करते हो तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलती है। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। फिर मेरे फादर साहब ने बोला नहीं अपना ग्रेजुएशन पूरा करो, इसके बाद जो आपके अरमान है उसको आप पूरा करना। और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने पर मुंबई आया। चलिए ये सफर जो आपका दौरान सफर शुरू हुआ, तो इसका हम सफर कौन बनाए बॉम्बे की सरजमीन पर, मतलब इंडस्ट्री में कदम बा कदम चलने वाला? आई थिंक सो, मेरे ख्याल से मेरा हम सफ़र जो है मैं खुद था, बिकॉज कोई यहाँ मेरा था नहीं जो है। और मेरी जो फैमिली थी, मेरी सिस्टर, तो वो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे, वो लोग जो है उनका अपना बिजनेस था। तो मैं यहाँ आके फिर जो है क्या होता है, जब आप चलोगे तो कठिनाइयाँ आएंगी बट लोग मिलते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा जो है। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसे घूमने फिरते और फिर मैंने इंक्वायरी किया कि एक्टिंग का पहला स्टेज क्या होगा, तो एक्टिंग क्लासेस करना था मुझे, उसकी बारीकियाँ सीखनी थी। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे भवंस कॉलेज के पास चरनी रोड, भारतीय विद्या भवन, तो वहाँ गया, इंक्वायरी किया, फिर मैंने वहाँ दाखिला लिया। फिर मैंने वहाँ 3 साल का एक्टिंग कोर्स किया उनके साथ, फिर मैं 3 साल थिएटर किया। फिर देन इसके बाद जो है ऐसे मिलते गए लोग और काम होता गया, फिर फाइनली यहाँ तक पहुँचा। फिर पहला ब्रेक कितना नसीब पर मानते हैं अपने आपको जब मिला आपको? जब मैं एक्टिंग कोर्स कर रहा था उसी टाइम पे वर्षा जवेरी जी थी, वो डायरेक्टर थी जो है, तो उस टाइम पे उन लोगों ने जो है कुछ प्लान किया था मुंबई के लिए।